माने ये तो होगा जैसे बच्चा एक खेल रहा था तो खेलते खेलते उसे पेंसिल उठा ली, तो पेंसिल उठा के देखने के लिए इतनी पास ले आया कि आंख में मार ले, आंख में मार ले तो रोए तो पेंसिल हटा दे, थोड़ी देर में फिर वो पेंसिल को नजदीक से देखने के चक्कर में एंगल ऐसा कर ले, फिर अपनी आंख में वो मार ले, फिर वो रोए। अब वो न तो पेंसिल छोड़ रहा है, न पेंसिल को देखने की जिद छोड़ रहा है, न ये समझ है कि इसको गलत एंगल में लेके वो खुद को घायल कर रहा है। तो अंततः उसकी माँ को उसके हाथ से पेंसिल छीननी पड़ी, तो वो भी रोता है कि मेरी पेंसिल क्यों छीन ली तुमने। तो कुछ ऐसी ही बेवकूफ़ी हम अज्ञानता में करते, हम जिन चीज़ों से दुखी हो सकते हैं हम वही चीज़ें करते जाते। कभी कभी दुखी होने में भी शायद मज़ा आने लग जाता है, और कई बार शिकायत करने में लोगों को बहुत मज़ा आने लग जाता है। कईयों की आदत होती है हर चीज़ में शिकायत करेंगे, गर्मी है तो गर्मी क्यों है, सर्दी है तो सर्दी क्यों है, बारिश है तो बारिश क्यों है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और हो गई तो क्यों हो गई, और हर चीज़ में क्यों लगा देते, हर चीज़ में किंतु परंतु लगा देते। सच अ बैड ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। किसी चीज़ को वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और फिर आप कहो हम सुखी क्यों नहीं हैं, हम डिप्रेशन में क्यों हैं, क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं जिससे मन उस विषाद में उस दुख में चला जाता है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं फिर कह देती हूँ, और वो ये है तुम्हें एक सिस्टमेटिक साधना की जरूरत है। जगह बदलने की जरूरत नहीं कि दिल्ली छोड़ के कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, कभी इस तीर्थ जाओ कभी उस तीर्थ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। जाने के पीछे कारण मन की खराब हालत नहीं होना चाहिए, जाने के पीछे कारण ये हो कि वृंदावन जाके रहना अगर अच्छा लगता है और वहाँ का माहौल अगर अच्छा लगता है, या आपको ऋषिकेश का वातावरण अच्छा लगता है, गंगा किनारा अच्छा लगता है, वहाँ किसी आश्रम या संत के प्रति कुछ भाव है इसलिए वो अच्छा लगता है, तो ज़रूर जाइए। हम तो खुद तैयार होते, कभी मौका लग जाए तो हम भी निकल जाए, परंतु मुझे ये पता है कि अगर आपका मन शांत है तो तुम जहाँ भी हो, फिर दिल्ली भी ऋषिकेश है, अगर मन शांत है तो फिर दिल्ली ही वृंदावन है। और अगर आपका मन सही सिस्टम में नहीं है और सही साधना आप नहीं कर रहे हैं और गंदी पुरानी आदतों को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो दुख पाल लिया है, अब दुख पालते रहते हैं, दुख के साथ जीते रहते हैं, उस दुख से बाहर भी नहीं आ पाते हैं, आना बताओ तो भी नहीं आ पाते हैं। तो ये जो अटक लग गई है ना, इस अटक को तो तुम्हीं को दूर करना होगा। तो अपने मन को क्लेश क्यों देना, तुम्हारे मन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मन को इतना क्लेश दो। और अगर मन तुम्हें क्लेश दे रहा है तो अपने मन को अपने नियंत्रण में करना सीखो, और उसके लिए बेस्ट चीज ये है एक स्केड्यूल बनाइए दिनचर्या का कि सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है। जैसे यहाँ आश्रम में आप रहती है तो सुबह आरती है, आरती के लिए जाने को जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, समय पे पहुँचते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दिन भर आपको जो भी सेवा करनी है, वो पढ़ाई करनी है, वो कुछ अध्ययन करना है, तो स्वाध्याय करना है, तो कोई साधना करनी है, तो आप उसको फॉलो करते हैं। और कब दिन बीत जाता है और कब शाम फिर से आ जाती है, हम तो ये देखते हैं कि इतनी स्पीड से जिंदगी भाग रही है, अभी तो गुरुवार गया था देखो फिर आ गया, अभी तो 20-24 चढ़ा था और अगस्त आ गया, 7 महीने कहाँ निकले पता नहीं चले, जिंदगी पूरी ऐसे ही हाथ से कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कब शरीर बूढ़ा हो गया पता भी नहीं चलेगा, और फिर कब शरीर मरने के उस क्षण तक पहुंच गया। आदमी सोचेगा अरे अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी, मैं मर क्यों रहा हूँ। इसलिए जो भी लोग उम्र के इस दौर पर आ जाएं और अगर ठीक समझ ना हो तो उनको बहुत पश्चाताप होता है और दुख लगता है कि अच्छा अब तो जाने का टाइम आ गया, अब तो जाने का टाइम आ गया, कभी भी जा सकते हैं। पर मन है वो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेता है कि नहीं हमारे दादा तो 105 साल में मरे थे, तो अभी तो हम 75 के ही हैं, कोई बात नहीं, हमारे जीन्स बहुत अच्छे हैं या हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो अभी तो क्या ही होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे आके ये दिखता है कि अच्छा जीवन तो खत्म होने जा रहा, फिर दुख लगता है कि अरे जिंदगी सही से नहीं जी है, ठीक से नहीं जी है। तो जो पश्चाताप मृत्यु के पहले होगा या बुढ़ापे में होगा, पश्चाताप नहीं, लेकिन उस समझ को तुम अभी भी तो ला सकते हो ना, क्या जिंदगी खाली दुख और विषाद के लिए, क्या जिंदगी खाली परेशान होने के लिए, वो भी व्यर्थ की वस्तुओं के लिए। इसलिए एक साधना का सिस्टम बनाओ, एक डायरी लगाइए जिसमें आप रोज लिखो कि आज मैंने ये साधना की, या अगर नहीं की किसी कारणवश तो वो भी लिखो कि आज बेईमानी की, आज आलस्य किया, या आज शरीर बीमार था इसलिए कुछ नहीं किया, या कुछ काम ऐसा आ गया कि बाहर जाना पड़ा तो अपनी साधना का टाइम मैं वो नहीं दे पाई। मैं ये नहीं कह रही कि दिन के 12 घंटे तुम साधना करो, पर कम से कम 2-2.5 घंटे का कुछ तो सिस्टम बना के रखो कि सुबह इतना तो करना ही है, शाम को इतना करना ही है, रात सोने से पहले तो अवश्यमेव मन के विचार वृत्ति स्थिति बदल के सोना चाहिए। इसलिए ठीक सोने से पहले आपका किया मंत्र जप, आपकी की गई विशेष करके उज्जयी प्राणायाम अथवा प्रणव अथवा ओम का गुंजन, ये चारों में से कोई एक प्राणायाम करने के बाद ही सोना चाहिए। नहीं तो दिन भर की जो भी व्यवहार किया है, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा, किसने गाली दी किसने खराब बोल दिया, कोई काम बिगड़ गया, कुछ अधूरा हो गया, कुछ करना है, कुछ मजबूरी है, ये सारा जो क्या बोले उधेड़बुन है, अगर उसके साथ नींद में गए तो रात के फिर 6-7 घंटे तो फर्दर बेकार हो जाएंगे। इसलिए ठीक नींद से पहले साधना अवश्य करनी चाहिए, और इस विचार से कि सुबह मुझे उठना है ताकि मैं अपने मन का जो गुण है उसको बदलने के लायक साधना कर सकूं। जितना आप प्राणायाम करेंगे, जितना आप मंत्र जप करेंगे, जितना आप सत असत का विचार करेंगे जो तुम नहीं कर रही हो, तो ठीक से बुद्धिमान बनो। और बुद्धिमान बनने के लिए जो आपको सूत्र मिल रहे हैं उन सूत्रों के ऊपर विचार करिए, पर विचार करने के बाद कुछ अमल भी करना होता है या नहीं। अगर खाली सोच तो लिया, सुन तो लिया, ज्ञान पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसे अप्लाई नहीं किया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अपने पे रहम खाओ, थोड़ा अपने से भी प्यार करना चाहिए कि नहीं। दूसरों से करते हो अपने से भी करो, दूसरों से अपेक्षा करते हो दूसरे मान सम्मान प्यार तुम्हें दे, तुम खुद को कितना मान सम्मान प्यार देती हो थोड़ा ये भी तो सोचो। तो अपना कल्याण तो खुद ही करना होगा ना, शास्त्र हो कि गुरु हो कि वो तो सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली साधना का संकल्प तो तुम्हें लेना होगा। छोड़ो मत, ढीला मत पड़ो, मन को इतनी जगह मत दो कि मन फैल जाए। मन वो ढीठ बच्चा है जो बहुत जिद्दी है, वो बहुत खराब है, वो बहुत चरखा है। ये मन, आपका मन आपका इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है कि तुम्हें बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, और आपका ही मन आपका इतना अच्छा मित्र हो सकता है कि आपको बाहर के किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। तो अगेन मुझे हर मिलापी जी का वचन याद आता है, बोलो जीवन कैसा हो, बोलो जीवन, बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा। तब हम कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लो। अगर जो बना है जैसा जीवन चल रहा है अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो फिर उसको ठीक करने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी होती है, वो किसी और की नहीं। मैं कह सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर सुनी हुई चीज़ की समझ का एप्लीकेशन तुम नहीं करोगे तो फिर सुनना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए समय व्यर्थ नहीं करिए, विवेकी बनिए, प्रज्ञावान बनिए। और प्रज्ञावान बनने के लिए आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए। मनोबल अच्छा होने के लिए प्राणायाम की जरूरत होती है। इसलिए बिल्कुल निसंक होकर के, कोई संदेह नहीं रखना, बहुत अच्छे से आप प्राणायाम करिए और फिर उससे आपके मन की जो एकाग्रता सधेगी, उस एकाग्र और शुद्ध हुए मन के साथ चीजों को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। बाकी जगह मत बदलो, मन बदलो। जगह बदलना तो बहुत आसान है, पर जहां भी जाओगे ये मन तो वही रहेगा साथ में। तो अगर आपका मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, भजनीक नहीं है, सुमिरन वाला नहीं है, तो फिर तो कहीं चले जाओ, मन तो दुखी ही रहेगा। और अगर मन की क्वालिटी हमने ठीक कर ली है, कोई भी जगह बुरी नहीं फिर तो, क्योंकि आप शरीर से जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, आप अपने मन की कुशलता से, आप अपनी बुद्धि की प्रज्ञा से बढ़िया उसको कर लोगे। तो तुम्हारे ऊपर है ये। तुम कहते हो मार्ग बताइए, बता रही हो, तो इसको लागू आप करिए। कभी कभी ये जो मनस्थिति है वो कुछ शरीर में ची की ब्लॉकेज से, प्राणवायु जो स्रोत होते हैं, आयुर्वेद में हम उसको कहते हैं, जब प्राणवायु स्रोतों में अवरोध आ जाता है तो उससे भी मन ठीक से काम नहीं कर पाता। तो वैद्य को नाड़ी दिखा लीजिए, एक बार वो परीक्षण कर लेंगे तो आपको जो वैद्य है वो कुछ एडवाइस दे देंगे। कई बार कुछ चेंजेस डाइट में भी चाहिए होती है, कई बार बहुत से कारण होते हैं शरीर के ही, जिससे मन बहुत बिखरा हुआ और उदास और चिड़चिड़ा हो सकता है। बहुत बार कारण शरीर होता है और हम सोचते मन खराब है, तो कई बार शरीर का उपचार करते हैं तो उसका प्रभाव मन पर आता है। तो मन कई बार डायरेक्ट डील करने की जरूरत नहीं होती, उसको शरीर को निरोगी करने की जरूरत होती है। तो एक ये भी ऐसा पक्ष है जो शायद ध्यान तुम दो तो अच्छा रहेगा। सही।